आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में और आप सबको सबसे पहले बहुत सारी बधाई विश्व पर्यावरण दिवस की। छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, कुछ क्लिपिंग कल शाम को जब ये काम फाइनल हो रहा था तब की मैंने ली हुई है और अब जो है स्टैंड वगैरह लगाना शुरू किया है, काम शुरू किया है, फाइनल स्टेज पे है। तो प्लांट्स कहाँ कहाँ रखने हैं अब भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा मेकओवर भी साथ में कर देंगे, स्टैंड वगैरह सारा पेंट हो गया है। तो अब जल्दी ही फाइनली ओवरव्यू आप लोगों को देने वाली हूँ मैं अपने गार्डन का, लेकिन आज गर्मी फिर बहुत ही ज़्यादा है। विश्व पर्यावरण दिवस के साथ साथ आज 45 डिग्री से कम तो गर्मी है नहीं, तो स्थिति बहुत सारी ख़राब हो रही है। और ये सारा स्टैंड वगैरह रखने में हमारा एक बालक आया हुआ है जो हमारी हेल्प कर रहा है स्टैंड वगैरह रखने में, क्योंकि इतने भारी भारी गमले तो हम उठा नहीं सकते हैं, तो वो सारा मेरे साथ साथ में कर रहा है, तो उसका भी शुक्रिया और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा वीडियो देख लीजिएगा और अगर आप सब चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, साथ साथ में एक चीज़ और खुशखबरी आप सब के लिए है कि आप सबके विशेष मिलने चाहिए, आज मेरे बेटे का भी हैप्पी वाला बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बेटा, और आप सब भी उसे आशीष दीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए हमारे वीडियो को। चलिए आगे का जो है, जो कल वाली क्लिपिंग है वो भी मैं इसी के साथ ऐड कर दूंगी। तो आप सब जो है ज़रूर एक पौधा आज के दिन लगाइए, मेरी ये सिफारिश आप सबसे होती है। और चूंकि दो दो खुशियां होती हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम हमेशा एक पौधा ज़रूर लगाते थे, पर आज जितने ये हमारे पौधे हैं, ये सारा जो दिख रहा है, इन सारे पौधों को बचाने की कोशिश में लगते हैं, तो यही हमारे लिए पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। तो चलिए आप सब आगे का क्लिपिंग देखते रहिएगा। अब इसे देख के आप सब लोगों को ऐसा लगेगा कि गार्डन का काम वाकई में अब फाइनल स्टेज में जा रहा है। ये जो बर्ड हाउस थे, तो दो बर्ड हाउस थे, एक और था कहीं पे, दो बर्ड हाउस में एक ब्लू है, एक ये पिंक है, एक ये वाला बर्ड हाउस था रेड कलर में था, तो वो रेड कलर में चला गया। ये डॉल अभी फ़िलहाल पिंक में है, लेकिन इसे मैं मल्टी कलर में करूँगी जैसा कि आप सब ने सजेशन दिया था। और मंकी जी को भी अलग कलर में करना है क्योंकि पिंक देख देख के मैं बोर हो गई हूँ। और हमारे राजू आ गए हैं, ये इसके स्टैंड को फिर से वापस लगाने के लिए, जैसे इसे लगाना है। तो ये वाला तो जो है उतारा हुआ था, वो वाले साइड से पहले वो लगवाती हूँ, फिर इसको ठीक करवाना है। और ये वाला ना है जो यहाँ से हटा करके ना लाल ये क्या कहते हैं राजा, इसको इस साइड में लगाओ जहाँ की पूरे धूप आती रहती है। इस वाले प्लांट को ये अकेले होगा नहीं तुमसे, तो इसका सहायता ले लो आप, क्योंकि ये मधुमालती का प्लांट है ना, इसको पूरी धूप चाहिए तभी इसमें फूल खिलेगा, ठीक है। तो ये तो पहले यहाँ लगा हुआ था, अभी तो पीक पे धूप है तो इधर आ रही है गर्मी, लेकिन सारा दिन जहाँ पे धूप रहती हो वहीं पे इसे लगाना चाहिए। तो अभी ये चेक करते हैं कि सारा दिन धूप कहाँ रहती है। और आज आती तो इस तरफ से है धूप, लेकिन दिन में शाम को ढलती धूप, ये दक्षिण दिशा ये वाला है ना हमारा, तो यहाँ से होते हुए दिन भर ये वाले पोर्शन में ही धूप रहती है। और ये जो टाइल्स में सारा ये लग रहा है, इसको वो है ना थिनर है ना, हाँ तारपीन है ना, उससे साफ होगा ना, हाँ ठीक है। एक तो वो वहाँ पे उसको राजू अभी देखती हूँ, इसको इस साइड में ही कहीं लगाएंगे जो, ताकि इधर से बेल चढ़ जाए, वो गमले के साथ में इस वाले कॉर्नर में लगाएंगे। तो वो तो ग्रिल पेंट कर रहा है ना, तो तब तक तुम वो पीछे का लगाओ ना, वो पीछे वाला लगाओ, वो जो पीछे वाला था ना वो लगाओ, वो इसके साथ की जरूरत होगी, और उसके बाद फिर मुझे आवाज दो तुम, ठीक है। तो साथियों, ये थी कल की रिकॉर्डिंग, जो कल शनिवार को शाम को मैंने राजू को बुलाया था, और राजू हमारे घर का सारा काम करता है आप देख रहे हैं। तो फाइनली जो ये फेंस ग्रीन कलर में पहले भी कलर किया हुआ था, पेंट किया हुआ था, फिर से करवा करके और इसे वापस अपनी जगह पे लगाना है। तो वही मैं खड़े होकर के इंस्ट्रक्शन दे रही थी, और गर्मी जो है बेकाबू हो रही है, बिल्कुल हम सब के काबू में नहीं आ रही है। तो इसी गर्मी में ही ये सारा काम करना है, और
कल है विश्व पर्यावरण दिवस, तो मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सा काम हो जाता फाइनल, और कल जो संडे की छुट्टी है तो संडे की छुट्टी में हम सब बहुत सारा काम करने वाले हैं। तो फाइनली साथियों, आप सब देख रहे हैं कि वो बालक भी काम कर रहा है, भारिया साहब भी लगे हुए हैं, और अब हम इसे फाइनल रूप देने जा रहे हैं। और जब जितना हमने काम कर लेंगे उसके बाद आप सबको अगर कोई सजेशन देना होगा तो बताइएगा। फिलहाल तो हम अपनी स्थिति से कर रहे हैं, अभी जैसे भी पुराने गमले हैं उसी में सारे प्लांट्स को रख रहे हैं, लेकिन कुछ गमलों को भी चेंज करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और भी अपने साथियों से। फिर आपसे मिलते हैं अब फाइनली, जब इसको अपने गार्डन को एक हम रूप दे देंगे। धीरे धीरे अभी सजाना शुरू किया है, जब पूरा फाइनल रूप हो जाएगा तो हम इसको आप सबको दिखाएंगे, पूरा आपको ओवरव्यू देंगे अपने गार्डन का। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, एक बार फिर से विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।